एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की क्लास में एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज की क्लास का अपना प्रश्न है कि अजीत सिंह को सिरोही में किस शासक ने शरण दी थी। भी अजीत सिंह जो था इसको सिरोही के अंदर किसके द्वारा शरण दी गई थी और सिरोही के उस राजा का नाम बताना है, सिरोही के उस राजा का देवड़ा शासक का नाम बताना है कि वो सुरतान देवड़ा है कि जगमाल देवड़ा है कि अखेराज देवड़ा है कि बेरेसाल देवड़ा है। देखो अजीत सिंह जो थे यानी औरंगजेब जो थे इन्होंने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में 28 नवंबर 1678 को जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद में औरंगजेब जोधपुर की भूमि को खालसा घोषित कर देते हैं और खालसा का मतलब होता है राजकीय नियंत्रण। साथ में जो जसवंत सिंह थे उनके मृत्यु के समय उनकी एक भी संतान जीवित नहीं थी और उनका दो पत्नियाँ थी और जो दोनों पत्नियां थी वो गर्व से थी। एक का नाम जस कंवर यादवी था और एक का नाम नरुका था। इन दोनों पत्नियों ने कालांतर में एक एक पुत्र को जन्म दिया था। जस कंवर यादवी का पुत्र अजीत सिंह हुआ था, नरुका का पुत्र दलथम्मन हुआ था। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ जो थे उनको पत्र भेजते हैं कि आप इन दोनों टाबरों को लेकर हमारे पास में आइएगा और मैं इनमें से किसी एक को क्या बना दूंगा, राजा बना दूंगा जोधपुर का, फिर आप इसको लेके चले जाना। तब यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जब दोनों टाबरों को लेके आते हैं तो औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और औरंगजेब जब बंदी बनाते हैं तो दुर्गादास राठौड़ जो थे ये इनको आज़ाद करवाते हैं। और दुर्गादास राठौड़ के साथ में एक बंदा और था जिसका नाम था मुकुंददास खिंची। इन्होंने जेल के अंदर अजीत सिंह के स्थान पर एक नकली अजीत सिंह को भी रख के गए थे जिसका नाम औरंगजेब ने मोहम्मदी राज के नाम से रखा था। और यहाँ से दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास खिंची जो थे ये अजीत सिंह को आज़ाद करवा के कलंदरी गांव सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर में पहुंचाते हैं। और जिस टाइम अजीत सिंह को सिरोही पहुंचाया गया था उस टाइम जो राजा थे उनका नाम बताना है आपको। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है सुरतान देवड़ा। सुरतान देवड़ा जो थे साथियों, ये सुरतान देवड़ा जो है इसने 1583 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दांताणी। और 1583 में दांताणी युद्ध में अकबर के सेनापति जगमाल की हत्या कर दी थी। अकबर का सेनापति जिसका नाम था जगमाल। और अकबर का सेनापति जगमाल यानी कि महाराणा प्रताप का जो भाई था इस जगमाल की क्या कर दी थी, जगमाल की हत्या कर दी थी। अकबर के सेनापति जगमाल जो थे इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। कौन से युद्ध में, दांताणी के युद्ध में। दांताणी का युद्ध 1583 के अंदर हुआ था और ये युद्ध जगमाल और सुरतान देवड़ा के मध्य होता है। सुरतान देवड़ा जो थे इनके दरबार में कवि रहते थे जिनका नाम था दुर्शा आड़ा। और दुर्शा आड़ा जो थे इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था राव सुरतानरी कवित नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो दुर्शा आड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने दिखाई दे रहा जगमाल देवड़ा। ये जगमाल देवड़ा जो थे इनका विवाह जो है वो मेवाड़ के रायमल की पुत्री आनंदाबाई से विवाह हुआ था। रायमल की पुत्री जिसका नाम था आनंदाबाई। इस आनंदाबाई से विवाह हुआ था। आनंदाबाई से विवाह होता है किसका, तो आनंदाबाई से विवाह हुआ था जगमाल देवड़ा का। इस जगमाल देवड़ा ने मेवाड़ के जो राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर के लड्डू दिए थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को कौन से लड्डू दिए थे, तो जहर के लड्डू खिला दिए थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर के लड्डू खिलाए थे और पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर के लड्डू किसके द्वारा खिलाए गए थे, जगमाल देवड़ा के द्वारा, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। अखिराज देवड़ा जो है इनको उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा के युद्ध में सांगा का साथ जो है ये अखिराज देवड़ा ने दिया था। बेरीसाल देवड़ा जो है, इस बेरीसाल देवड़ा के समय में कालंदरी गांव सिरोही में किसको शरण दी गई थी, अजीत सिंह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका सबसे सही उत्तर रहेगा। तो आप ये बताइएगा कि हम प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इसी कड़ी में हम आपको सिरोही के देवड़ाओं में से ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि
सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है, और तलवार किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? तलवार जो है ये किस राजा के समय में प्रसिद्ध होती है? सिरोही की तलवार प्रसिद्ध और कौन से राजा के समय तलवार प्रसिद्ध हुई थी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।